नमस्ते दरभंगा, नमस्ते मिथिलावासी। बात करें तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी आयो दिन अभी भ्रष्टाचार के मामले में घसीटती जा रही है। बता दें आपको कि विश्वविद्यालय संस्कृत में टेंडर को लेकर के मचा घमासान। जी हाँ, बताया जा रहा है कि पिछले साल फरवरी में विश्वविद्यालय में टेंडर की प्रक्रिया जारी की गई थी, जिसमें पहले टेंडर में 3 साल के नियमावली मांगी गई। सरकार के नियमावली अनुसार में जो कार्यों के लिए राशि निकाली गई थी, उससे कम में भी विश्वविद्यालय के द्वारा टेंडर को पास कराया जा रहा था, लेकिन विरोध करने पर कुलपति महोदय के द्वारा उस टेंडर को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद नियमावली के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के सचिवालय कार्यालय तक एक चिट्ठी भी लिखी गई, जिसके बाद टेंडर को तत्काल प्रभाव से निरस्त कराया गया। उसमें बार बार विरोध करने की मांग थी कि कुल सचिव और संतोष झा नामक व्यक्ति को इस कमेटी से हटाया जाए और निष्पक्ष एक कमेटी को बनाया जाए, लेकिन उसके बाद भी सारे पत्रों की अवहेलना करते हुए विश्वविद्यालय के कुल सचिव के द्वारा पुनः उसी नियम को लागू किया गया, जिस नियम के ऊपर मिथिला यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, तिलक मांझी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एक ही कंपनी को टेंडर देने के लिए बार बार यही टेंडर फॉर्मेट हर जगह घुमाया जा रहा है। जबकि बार बार विरोध करने पर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के मुख्यमंत्री के निजी सचिव महोदय से लेकर के प्रधान सचिव तक को बार लिखा गया, उसके बावजूद वीडियो की अनुपस्थिति में कागजों की जांच होती है और उसके बाद जब लीडर अपना पक्ष जानने की कोशिश करते हैं तो माननीय भू संपदा पदाधिकारी, माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुल सचिव महोदय तीनों लोगों को बुलाकर खुद गायब हो जाते हैं। जब फोन किया जाता है तो सूचना प्राप्त की जाती है तो टेंडर के लिए कहा जाता है कि फाइनल हो गई है और आप कार्यालय में जाकर संपर्क कर ले। आपको बता दें कि जब इस खबर को कवर करने पत्रकार मीडिया पहुंची तो वहां के प्रति कुलपति डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर के द्वारा वीडियो बनाने को रोका, जिसको लेकर के पत्रकारों के साथ उनकी नोकझोंक हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा रोकना मकसद नहीं था, इस खबर को दूसरे तरीके से नहीं दिखाया जाए, सारी प्रक्रिया पूरी की गई है, बस यही हमारा कहना है, जो कि उन्होंने कहा। आइए हम सुनते हैं विस्तार से सारी घटनाक्रम पर। अप्लाइड कंसेप्ट क्लासेस यहाँ पीपीटी के द्वारा डिजिटली पढ़ाया जाता है। यहाँ नीट और जेईई के लिए प्रिपरेशन की अलग से सुविधा उपलब्ध है। सबके अलग अलग स्पेशलिस्ट टीचर हैं। MAS सर केमिस्ट्री, रियाज सर बायोलॉजी, रोहित सर फिजिक्स। पता डिग्गी वेस्ट नियर शुक्ला हॉस्पिटल दरभंगा। टेंडर जो है विश्वविद्यालय के नियम परिनियम के अनुसार से हुआ है, 7 इसमें बीडर हैं। माननीय कुलपति ने इस टेंडर कमेटी को, जिसमें प्रतिकुलपति को अध्यक्ष बनाए हैं, समीक्षा के लिए उन्होंने भेजा। आज समीक्षा की मीटिंग हो रही है और जो भी रिपोर्ट होगा माननीय कुलपति को दे दिया जाएगा। अभी तो आपने बोला कि मैं आपको न सूचना दूंगा, न कोई जानकारी आपको दूंगा, न वीडियो, न वीडियो नहीं कहूंगा। आप मेरे सामने में, आप मेरे सामने में, आप हमको, आप हमें खुद बोले हैं, आप खुद हमको बोले हैं कि मैं आपको न बैठ दूंगा, न वीडियो बनाने दूंगा। गलत ढंग से प्रस्तुति हो रही है जी। नहीं, गलत ढंग से प्रस्तुति हो रही है। जो आप बोले हैं वही हम बता रहे हैं। नियम पर नियम का अनुसरण यूनिवर्सिटी चला, हर जगह नियम पर नियम से काम। पारदर्शिता मैं अतुल प्रियदर्शी मेरा नाम हुआ। मैं विश्वास सिक्योरिटी सर्विसेज का डायरेक्टर हूं और मैं सुबह से आज बैठा हुआ हूं और लगातार 3 दिन से विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहा हूं कि कब ये समीक्षा कमेटी की बैठक होगी, जिसमें हम लोग को बुला के अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अगर हमें बुलाकर ये संतुष्ट कर दिया जाए कि हाँ आपके पेपर में हमारे द्वारा प्रकाशित किए निविदा के नियम के अनुसार अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ना हमें बुलाया जा रहा है, ना हमें कुछ दिखाया जा रहा है। और एक तो जो टेंडर में प्रकाशित टेंडर में जो भी नियम रखा गया है, वो नियम भारत सरकार, बिहार सरकार के बेयर एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भारत सरकार के नियम के सरासर विरुद्ध। क्या नाम बोले थे अपना? मैं अतुल प्रियदर्शी हूँ, डायरेक्टर विश्वास सिक्योरिटी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पटना। टेंडर का पूरा मामला टेंडर का, मेरा नाम अतुल प्रियदर्शी हुआ, मैं विश्वास सिक्योरिटी कंपनी का डायरेक्टर हूं और आज इस टेंडर को 3 महीना से टेक्निकल जांच के नाम पर खींचा जा रहा है। एक बार पुनः सारे बीडर को बुलाकर 24 घंटा बैठा दिया गया यहीं बाहर हॉल में, किसी को न अंदर रखा गया,
और किसी के भी कागज के बारे में कोई जानकारी ना देते हुए सात में से एक कंपनी के नाम को सामंता सिक्योरिटी को अनुशंसा करते हुए फाइल को कुलपति कार्यालय में भेज दिया गया, जिसके कारण जिसका पेपर भी निकाल लिया गया और वो हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद हम तमाम एजेंसियों के द्वारा कुलपति साहब के पास रिक्वेस्ट करते हुए आवेदन देते हुए कि सर जो भी प्रक्रिया है उसको न्यायपूर्ण कराएं, सभी बीडर के उपस्थिति में कराएं, कमेटी के सामने रख के कि किनका क्या सही है और गलत है। यही आश्वासन कुलपति महोदय के तरफ से दिया गया कि दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ जैसे पर्व को देखते हुए छठ पर्व के बाद इसका अवलोकन कराया जाएगा और आप लोग की उपस्थिति भी उसमें रहेगी। आप लोग को स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा कि अगर आपके पेपर में ये कमी है जिसके कारण आपको छांटा जा रहा है या आपका पेपर सही है तो आपको पास किया जा रहा है। पुनः आज का डेट निर्धारित था, हम सारे लोग उपस्थित थे, लेकिन हम लोग किसी को भी कार्यालय के अंदर, ऑफिस के अंदर जहां ये गठित कमेटी जांच कर रही थी, नहीं बुलाया गया, नहीं बताया गया। और इसमें क्या हो रही है, इसमें फिर से ये शक हो रहा है कि गलत हो रहा है, रिपोर्ट गलत बन रहा है, अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है और सारी सब कुछ को छिपाने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है, इसमें किसी का मिलीभगत का काम हो रही है? मिलीभगत नहीं, राजभवन से पत्र आया था कि आप इस कमेटी को, जिसमें कुल सचिव हैं और वित्त परामर्शी हैं, उन दोनों व्यक्ति को आप साइड करते हुए स्टैंडर्ड कमेटी से अलग करते हुए एक नई कमेटी गठित करें और पारदर्शिता के साथ इसको जांच करके रिपोर्ट राजभवन को भी सोचे और एक अच्छी एजेंसी का चयन करके विश्वविद्यालय में सेवा करने का अवसर प्रदान करें। लेकिन वो भी कार्य नहीं हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं, अंदर वित्त परामर्शी भी मौजूद हैं, कुल सचिव महोदय भी मौजूद हैं, तो ये राजभवन का आदेश का सरासर अवहेलना है। तो हम लोग बीडर की क्या स्थिति हुई होगी, आज एक साल में टेंडर चार बार प्रकाशित हो चुका है, चौथा बार भी यही प्रक्रिया चल रहा है, तीन महीना से लंबित है, सब कुछ यहाँ गलत है। ये राजभवन का चिट्ठी है जो हमारे हाथ में, आप ये देख सकते हैं, जब राजभवन के आदेश को ही नहीं पालन किया जा रहा है तो क्या किया जाएगा। 11 नंबर जो इसका है कंप्लेन है उसको आप देख सकते हैं, उसको पढ़ा। पिछले फरवरी मंथ से इस टेंडर की प्रक्रिया शुरू होती है। पहले टेंडर में इन्होंने तीन साल का नियम मांगा, तीन साल का आईटी रिटर्न मांगा था। उस टेंडर में भी एक बीडरों के द्वारा कम, सरकार के निर्धारित दर से कम रेट कोट किया गया था, जिसको देने का इन्होंने प्रयास किया और जिसका मैंने उस समय भी विरोध किया और बीसी साहब के कृपा से वो टेंडर पुनः कैंसिल हुई। दूसरी बार पुनः टेंडर निकलती है और पुनः उसको बगैर किसी बीडर को बताए हुए, बगैर किसी बीडर को सूचना दिए हुए उस टेंडर को भी कैंसिल कर दिया जाता है। तीसरी बार टेंडर निकलती है इसी एनजीओ के लिए और सोर्सिंग के लिए, उसमें माननीय प्रतिकुलपति महोदय द्वारा उसी दागी कंपनी समंता सिक्योरिटीज को जो टेंडर का लास्ट डेट था उससे एक दिन बाद उसकी टेंडर आती है और उसको बैक डेट में लिया जाता है, जिसको प्रतिकुलपति द्वारा संज्ञान लिया जाता है और उस बिहाफ पे उस टेंडर को कैंसिल कर दिया जाता है। चौथी बार टेंडर निकलती है, पुनः उसी नियम को दोहराते हुए जिस नियम के ऊपर मैंने माननीय प्रधानमंत्री को लिखा था, माननीय राज्यपाल को लिखा था, माननीय उच्च शिक्षा सचिव को लिखा था, प्रधान सचिव को लिखा था, मेरे द्वारा दी गई एप्लीकेशन को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय से राजभवन को सूचना दी गई कि इस टेंडर को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए संतोष झा को सूचित करते हुए और कुल सचिव को इस कमेटी से हटाते हुए एक निष्पक्ष कमेटी द्वारा इसकी जांच कर तदुपरांत इस टेंडर को किया जाए। लेकिन सारे पत्रों की अवहेलना को करते हुए विश्वविद्यालय के कुल सचिव के द्वारा पुनः उसी नियम को लागू किया गया, जिस नियम के ऊपर मिथिला यूनिवर्सिटी ने कार्य कर रही है, जिस नियम के ऊपर बिहार यूनिवर्सिटी काम कर रही है, जिस नियम के ऊपर तिलक मांझी विश्वविद्यालय काम कर रही है, एक ही कंपनी को टेंडर देने के लिए बार बार यही टेंडर फॉर्मेट हर जगह घुमाया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा बार बार विरोध करने पर, दोबारा प्रधानमंत्री को लिखने पर, मुख्यमंत्री के निजी सचिव को लिखने पर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को लिखने पर, सारे का व्हाट्सएप मेरे पास है जो मैं कागज भेजा हूँ। उसके बावजूद जब ये टेंडर होती है तो बीडरों की अनुपस्थिति में कागजातों की जांच होती है और उसके बाद जब बीडर अपना पक्ष जानने की कोशिश करते हैं
तो माननीय भू संपदा पदाधिकारी, माननीय प्रतिकुलपति महोदय, माननीय कुल सचिव महोदय, तीनों लोग वीडियो को बुलाकर और खुद गायब हो जाते हैं। और जब फोन पे सूचना प्राप्त की जाती है तो कहा जाता है कि टेंडर फाइनल हो गया है, आप जाके वीसी कार्यालय से संपर्क कर लें। वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ वित्तीय परामर्शी चोरी छिपे बैठे होते हैं और फाइल का इंतजार करते हैं कि वीसी माननीय कुलपति को मिसगाइड करते हुए समंता सिक्योरिटीज का ऑर्डर हम करवा लें। लेकिन उस समय मेरे द्वारा विरोध करने पर ये कार्य रुक जाती है। उसके बाद कुलपति महोदय द्वारा पिछले 2-3 महीनों से माननीय कुल सचिव महोदय को, माननीय प्रतिकुलपति महोदय को लिखा जाता है, जो उनके फाइल पर मौजूद है, कि पारदर्शिता के साथ वीडियो के समक्ष इस